कोरोना की तीसरी वेव की वजह से कई बड़ी बड़ी फिल्म्स की रिलीज तितर बितर हो गई हैं। लिहाजा फिल्में कुछ और एक्टर्स इस फिराक में बैठे हैं कि थर्ड वेव खत्म होने के तुरंत बाद वो जल्द से जल्द अपनी फिल्म्स की रिलीज डिसाइड करें, ताकि उन्हें किसी फिल्म के साथ क्लैश ना झेलना पड़े, और अगर झेलना भी पड़े तो वो कोई बड़ी फिल्म ना हो। लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि साल 2022 की शुरुआत में ही बड़ी बड़ी फिल्म्स लाइंड अप थी। 7 जनवरी को एसएस राजामौली की RRR रिलीज होनी थी, लेकिन अब चर्चा है कि होली के मौके पर इसे रिलीज किया जाएगा। कोविड के हालात में थोड़ा सा सुधार होते ही फिल्म के निर्माताओं ने दोबारा इस फिल्म की नई डेट को अनाउंस करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में मौजूदा हालातों को भांपते हुए RRR के मेकर्स ने एक नया तोड़ निकाला है। RRR फिल्म के मेकर्स ने एक साथ ही रिलीज के लिए 2 डेट्स का ऐलान किया है। DBV एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्विटर कर जानकारी देते हुए लिखा है कि 18 मार्च और 28 अप्रैल 2 डेट्स को वो अपनी फिल्म RRR की रिलीज के लिए सेव कर रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है, अगर देश में महामारी की स्थिति बेहतर होती है और हालात ठीक होते हैं, जिसकी वजह से अगर थिएटर्स फुल कैपेसिटी के साथ खुलते हैं, तो हम अपनी फिल्म को 18 मार्च के दिन देश भर में रिलीज करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो ये फिल्म फिर 28 अप्रैल के दिन थिएटर्स में आएगी। अब आपको बता दें कि राजामौली ने RRR को लेकर जो 2 डेट्स बुक की हैं, उनसे साफ पता चलता है कि वो इस बार बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स के साथ क्लैश करने के लिए तैयार है। होली के मौके पर 18 मार्च को अक्षय कुमार पहले से ही अपनी फिल्म बच्चन पांडे को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो बॉलीवुड के सबसे पहले ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने होली के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करने की अनाउंसमेंट सबसे पहले की। पहले ये फिल्म 4 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब जब राजामौली अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि बॉक्स ऑफिस पर RRR और बच्चन पांडे के बीच भयंकर क्लैश होगा। और बात करें दोनों फिल्मों की, तो दोनों ही फिल्में अलग अलग ऑडियंस के लिए बनाई गई हैं। स्टार वैल्यू दोनों ही फिल्म्स की बराबर है। अगर RRR साउथ की बड़ी फिल्म है, तो बच्चन पांडे बॉलीवुड की। ऐसे में ये क्लैश बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर जीत किसकी होगी और किसका पलड़ा भारी होगा, साउथ का या फिर बॉलीवुड का। हालांकि वहीं दूसरी ओर अगर राजामौली अपनी फिल्म को 28 अप्रैल को ईद के मौके पर रिलीज करते हैं, तब भी उन्हें बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बड़ा टकराव झेलना होगा। ईद के मौके पर पहले ही अजय देवगन अपनी रनवे 34 लेकर आ रहे हैं, लेकिन RRR में अजय देवगन खुद एक रोल में है। ऐसे में अजय अपनी ही फिल्म से भिड़े, ये शायद मुमकिन नहीं हो पाए। लिहाजा राजामौली के पास फिर बच्चन पांडे से ही भिड़ने का चांस बचता है। ऐसे में अब देखते हैं कि RRR अक्षय कुमार के साथ दो दो हाथ करती है या फिर ईद पर अजय के साथ, ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।